जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि मेरी जितनी भी YouTube फैमिली हैं सभी अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी का आने वाला दिन शुभ हो। इसी के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ और ब्लॉग की शुरुआत में सबसे पहले आज अगर मेरी YouTube फैमिली में किसी का जन्मदिन है या मेरे किसी भाई या मेरी बहन की मैरिज एनिवर्सरी है तो उनको मेरी ओर से हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, और अगर किसी का जन्मदिन है तो उनको भी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी से बस यही प्रार्थना करूंगी कि आप सबकी ज़िंदगी में ये दिन बार बार आए, हज़ार बार आए। चलिए अब करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, ताकि मैं अपना जो मेरे गांव का कल्चर है, मेरा जो डेली का रूटीन है, वो मैं मेरा आगे लोगों तक पहुँचे और वो पहुँचेगा आप लोगों के ज़रिए। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आप सभी मुझे इतना टाइम देते हो अपने 24 घंटे में से 10 या 12 मिनट जो मेरे लिए देते हैं, मेरे प्रत्येक एक सब्सक्राइबर उनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है और प्लीज़ आगे भी ऐसे ही साथ देते रहिएगा। आज मैं आप सभी के साथ में मुझे मिला है खेत में कद्दू, और ये लास्ट ही है। अब तो सीजन चला गया है, बट ये पता नहीं कब का कहाँ रह गया था, मुझे ध्यान ही नहीं रहा इसमें। और यहाँ पे मेरी गाय आई थी तो मैं उसको हटाने के लिए आई तो मुझे कद्दू मिल गया, और फिर ले चलूँगी मैं इसको घर में और सब्ज़ी बनेगी इसकी घर में जा कर के। और यहाँ पर कमरे में मैंने रखा था वंशु, ये देखिए, और इसको ना नींद आ गई है। वैसे ही टीवी लगा करके मैं इसके पास रहने देती हूँ और खुद मैं चले जाती हूँ, काम करती रहती हूँ, फिर मैं आधे पौने घंटे बाद देखती रहती हूँ इसको। और देखिए मैंने इसको रजाई के बीच में छुपाया था और ये वैसे ही सो गया है, इसको नींद आ गई है और ऐसे सोया है। मुझे बहुत ही मासूम और बहुत ही क्यूट लग रहा था, मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ में भी शेयर करूं। देखिए मेरे बच्चे ना ऐसे ही दोनों ऐसे ही बड़े हुए अकेले में, क्योंकि इसकी नानी संभाल लेती है, वैसे अब तो संभाल लेते हैं बट इतना नहीं। और यहाँ पर जो कद्दू था उसको मैं ले आई थी और इसकी मुझे बनानी थी सब्ज़ी। इसको मैंने धो लिया है और इसको ना छीलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ही नाजुक है, अभी ताज़ा ताज़ा है। और ये है लास्ट सब्ज़ी अब मेरे खेत की, अब ख़त्म हो गया सीज़न, अब तो कहाँ बहुत पहले का ख़त्म हो गया है, पर ये पता नहीं कब का लगा हुआ था और ऐसे ही पड़ा था खेत में, तो आज अचानक से मेरा ध्यान इस पर गया तो मैं इसको फट से तोड़ के ले आई, क्योंकि घर में तो होता ही है, सबके घर में ऐसे ही होता है, एक टाइम की सब्ज़ी बना दें तो दूसरे टाइम को फिर ये होता है अरे आज क्या बनाना, आज क्या बनाना। बस मुझे भी यही परेशानी होती है, आज कौन सी सब्ज़ी बनाऊँ, आज कौन सी सब्ज़ी बनाऊँ, तो आज तो कद्दू ही बनेगा पक्का। और इसको मैंने कट कर लिया जितना मुझे चाहिए और आगे मैं अब कर दूँगी कढ़ाई, क्योंकि कढ़ाई में मुझे रखना है तेल गर्म होने के लिए। माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, आवाज़ में कोई कमी नज़र आएगी क्योंकि आज ना मेरी तबीयत कुछ ढीली ढीली सी हो रही है और ऐसे ही हो जाता है, 2 महीने ठीक रहती हूँ तो 2 महीने बीमार रह जाती हूँ, क्योंकि मुझे एक बार टाइफाइड हो गया था, उसके बाद आज तक मुझे नहीं लगता कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और ये देखिए बच गया, फिर काम आ जाएगा क्योंकि ये ख़राब तो होगा नहीं इतने जल्दी, वैसे भी अब तो सर्दियाँ आ चुकी है और जो मुझे चाहिए था जितना उसको मैंने काट लिया है। मेरा हाथ जला है एक दिन का, पता नहीं क्या उठा रही थी और वो गर्म था, ध्यान नहीं गया एकदम से और हाथ ही जल गया। यहाँ पे मैंने हींग और अदरक और प्याज ले लिया है, लहसुन मैं नहीं डालूँगी इसमें क्योंकि लहसुन की तासीर गर्म होती है और मुझे गर्म चीज़ें ज़्यादा पचती भी नहीं है, छूट भी नहीं होती। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रिफाइंड डाल दिया है, उसमें मैं सूखे मसाले सबसे पहले ऐड करूंगी। और ये मेरे पास भून चुके हैं तो इनमें मैंने अब डालना है कटी हुई प्याज और हरी मिर्ची है, बट अभी ये पकी रही है और कुछ मैंने तोड़ के रखी है, अचार बनाया है बट रेसिपी मैंने शेयर तो की है पर मुझे ना उसकी एडिटिंग करने का टाइम नहीं लगा है, बट आपको मिर्च के अचार की रेसिपी भी ज़रूर मिलेगी
ज़रूर शेयर करूँगी मैं आपके साथ में। और यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और हल्दी डाल दी। इसको मैं पका लूँगी ऐसे ही, ये बिना पानी से पक जाएगा, मैंने बोला था ना कि ये बिल्कुल नाजुक है। और इसको मैं पीछे रख लूँगी, जब तक मेरा ये बनेगा तब तक मैं रोटी बनाऊँगी आगे, और दोनों एक साथ में हो जाएंगे, रोटी भी और कद्दू की सब्ज़ी भी। ठीक, देखिए ये पक चुका मेरा, अभी थोड़ा पकेगा और, बट तब तक मैं इसको पीछे कर दूँगी और आगे मुझे चपाती बनानी है। और वंशु तो आराम से सो गया है, उसको मैंने पहली साइड को हटाया था और रजाई रख दी उसके ऊपर, तो वो सो गया। और अब मुझे यहाँ पे बनाने हैं चपाती। और मुझे ना पता ही फुलके बोलने की ज़्यादा आदत है, क्योंकि अपने गांव की भाषा होता है, हिंदी बोलने की तो कोशिश करती हूँ बट जो अपने गांव की भाषा है वो तो कहीं ना कहीं आ ही जाती है बीच में। तो यहाँ पे मैं अपने वो चपाती बना रही हूँ और मजे से आग भी सेक रही हूँ। चेतन यहाँ पे बैठा नहीं है, वो स्कूल का काम कर रहा है, और वंशु को तो आपने देख ही लिया, वो सो गया है। और मम्मी भी अगर उनकी तबीयत सही होती है तो चूल्हे के पास बैठे मिल जाते हैं, और अगर नहीं होती है तो वो भी नहीं आते हैं ज़्यादा चूल्हे के पास। तो अभी मम्मी भी लेटे हैं और मैं अकेली हूँ, और खाना फटाफट से बस सबके लिए खाना बना रही हूँ। और ये देखिए ये मेरी पक चुकी है सब्ज़ी, बिल्कुल तैयार हो गई, और सच में बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। और ये है मेरे पास आज सुबह की क्लिप, ये मैंने पशु बाहर कर दिए थे, हल्की हल्की धूप थी, मैं कहा जो हरी पत्तियाँ होती है अंदर खाते हैं तो फिर कीचड़ में या इधर उधर चली जाती है, तो मैंने बाहर ही रख दिया है। और यहाँ पे मैं गोबर उठा रही हूँ, वीडियो की स्पीड मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी है क्योंकि लंबी हो जाती है, हर बार कोशिश करती हूँ छोटा बनाने की पर ये वीडियो लंबी हो जाती है। और बहुत पहले मेरी एक बहन ने मुझे कमेंट किया था कि यहाँ पे गड्ढे हैं आपकी गौशाला में, तो ये गड्ढे पता किस लिए रखे हुए हैं, ये इसके लिए कि कुछ ऐसे ही तैयार किया है कि जैसे ये गौमूत्र करते हैं ना, ये सीधा जा कर के इन गड्ढों में आ जाएं, और ये जो फर्श जैसा है यहाँ पर पशु लेट जाते हैं आसानी से। और जब मैं इनकी सफाई कर देती हूँ, सारा गोबर उठा लेती हूँ, तो ये देखिए मुझे गौमूत्र उठाने की बिल्कुल आसानी रहती है, फिर नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती है। और यहाँ पे उसके बाद में मैं आ चुकी हूँ घास लेने के लिए, और मुझे काटना है घास, और उसके बाद में जाना है घर में, फिर लंच करूँगी, और उसके बाद फिर से मुझे पशु चराने की ड्यूटी होती है मेरी, तो वही ड्यूटी शुरू हो जाएगी। और हाँ, मुझे किसी ने कहा था कि आप ना वो झूठ बोलते हो, आपके ब्लॉग में बहुत आप झूठ दिखाते हो। तो भाई अगर हम झूठ दिखाते हैं तो फिर ये जो रियल विलेज लाइफ है या डेली जो रूटीन है उसमें कौन कितना झूठ बोल सकता है? क्या शायद आपने नहीं सोचा मैं 1.5 साल से ब्लॉग बना रही हूँ, आपको कौन सी कहाँ पे झूठ नज़र आया? बट खैर जो बात है कोई बात नहीं, मैं आप लोगों का बुरा नहीं मानती हूँ और आप लोगों का मैं माइंड भी नहीं करती कि आपने क्या बोला। और आज के ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करूंगी, आपसे मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता।